नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार लाइव नाउ के खास कार्यक्रम काल चक्र में। काल चक्र जो कि कोरोना की वजह से कुछ दिनों तक बंद रहा, फिर से हम आलोक कुमार जी के साथ आ चुके हैं, ज्योतिष सलाहकार आलोक कुमार जी, जो कि आपको बताते हैं विशेषकर ज्योतिष, वास्तुशास्त्र और अंक शास्त्र के बारे में। दिवाली आने वाली है, धनतेरस भी आने वाला है, तो दिवाली और धनतेरस के बारे में आज से ये महादिवाली जो विशेष कार्यक्रम होगा, दिवाली पर विशेष तौर पर दिवाली और धनतेरस के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे, सभी पूजा के बारे में, मुहूर्त के बारे में और क्या करना चाहिए जिससे कि लक्ष्मी का आगमन हो बाबा, क्योंकि कहते हैं कि दीपावली लक्ष्मी की पूजा होती है और लक्ष्मी आती है हमारे घर में, तो इसके बारे में आज से हम शुरुआत कर रहे हैं। जी नमस्कार सारे दर्शकों को। मुकेश जी ने जैसा बोला कि हम लोग आज दिवाली स्पेशल कर रहे हैं, एपिसोड धनतेरस के दिन तक करेंगे और आपको सारी मुहूर्त बताएंगे, कैसे क्या पूजा विधि है इसकी, कैसे करना चाहिए सारा पूजा, ये सारे पे हम लोग चर्चाएं करेंगे। लेकिन अभी जो मुकेश जी आप कह रहे थे कि ये सिर्फ माँ लक्ष्मी की पूजा है, ये माँ लक्ष्मी की तो पूजा होती ही है दीपावली में, लेकिन आपके सारे कष्टों को हरने के लिए ये कार्तिक मास आता है। आज ये जो कार्तिक मास है, कार्तिक मास के अमावस्या के दिन दीपावली मनाई जाती है, त्रयोदशी के दिन कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन धनतेरस मनाई जाती है, नरक चतुर्दशी यम का दिया निकाला जाता है। यम कौन? जो मौत को देखते हैं, जो मौत के आपको ले जाते हैं, कहते हैं मरने के बाद यम आपको लेके चले जाते हैं, तो उन देवता की भी पूजा की जाती है। तो मतलब अकाल मृत्यु से अगर आपको भय है तो आपके लिए ये 5 दिन का जो पर्व है, धनतेरस से लेकर दीपावली तक का जो ये पर्व है, आप उसमें उसकी उपाय कर सकते हैं। अगर आप बहुत भयभीत रहते हैं, आपके यहाँ बहुत दलितता है, आपका धन घटते हुए जा रहा है, तो कुछ ऐसे उपाय कर सकते हैं, टोड़े टोटके भी कर सकते हैं, माँ काली की भी पूजा की जाती है इसमें। तो आज हम लोग श्री से चलेंगे, धनतेरस से चलेंगे कि धनतेरस में क्या करना चाहिए, धनतेरस क्यों मनाया जाता है। देखिए धनतेरस कार्तिक मास के त्रयोदशी के दिन मनाया जाता है, त्रयोदशी तिथि को बनाया जाता है धनतेरस। धनतेरस के बारे में एक पौराणिक कथा है, मेन इसमें जो पूजा होती है धन कुबेर, कुबेर की पूजा होती है और धन्वंतरी की पूजा होती है, भगवान धन्वंतरी की पूजा होती है, जो कि आपके सबसे पहले वैद्य कहे गए हैं, सबसे पहले चिकित्सक कहे गए हैं, चिकित्सक। और कहते हैं कि सेहत से बड़ा कोई लक्ष्मी नहीं, सेहत से बड़ा कोई चीज नहीं, तो सेहत सबसे उत्तम है और सेहत ही आपकी लक्ष्मी है और सेहत ही आपका धन है। तो कहा जाता है कि माँ धन्वंतरी की पूजा इस दिन की जाती है, उसके बाद कुबेर की, कुबेर कौन है, कुबेर ऐसे आप समझिए, हम सरल भाषा में आप समझिए कि माँ लक्ष्मी के मंत्री हैं, ठीक है। अगर वो माता हैं, वो राजा हैं, वो रानी हैं, वो देती हैं धन, तो इस धन को सचेत के रखते हैं, उसको जो है ना सहेज के रखना, जिनको कहते हैं ना भगवान कुबेर के लिए कहा गया है। इसलिए हम लोग त्रयोदशी के दिन कुबेर की हम लोग पूजा करते हैं, आराधना करते हैं और उस दिन ही कुछ खरीदारी करते हैं कि जो धन से बड़ा हुआ चीज जो मैंने खरीदा है वो चीज हमारे हमारे घर में बढ़ोतरी होते चला जाए। अब ये एक प्रश्न आता है, सबसे बड़ा चीज कि हम लोग अक्सर देखते हैं कि बर्तन खरीदते हैं, सोना चांदी खरीदते हैं, क्यों खरीदते हैं, इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा है, धनतेरस को लेकर एक पौराणिक कथा है कि राजा हेमा थे, उनके पुत्र के बारे में एक भविष्यवाणी की गई थी ज्योतिषाचार्यों द्वारा कि 4 दिन बाद जो है ना, विवाह के 4 दिन बाद ही उसकी मौत हो जाएगी, यम उसको ले जाएगा, अकाल मृत्यु हो जाएगी। तो उनकी जो पत्नी थी, अपने बेटे को बचाने के लिए उन्होंने क्या किया कि दरवाजे के ऊपर दो यम जो थे वो सर्प के भेष में आ रहे थे, तो उन्होंने क्या किया कि एक दिया जला दिया अपने दरवाजे के ऊपर, उसके बाद उस सोना चांदी रख दिया, तो सोने चांदी जेवरात और बर्तन के चमक से और दिए के कोलिजन से जो चमक हुई उससे वो सर्प अंधा हो गया और इसकी मृत्यु टल गई, ठीक है। और उसके बाद फिर यम ने अपना जो लिखा हुआ था उसको भी पूरा किया, लेकिन एक समय के लिए टल गई। तो कहा जाता है कि वो एक धन हो, वो जो धन था, वो जो सोना चांदी था, उनके जीवन के लिए काम आया। तो कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि उस दिन जो भी आप खरीदते हैं, उस दिन जो भी आप सहेजते हैं, तो वो आपके धन को वृद्धि करता है, वो सहेज के रखना चाहिए, वो आपके धन की वृद्धि करता है और धीरे धीरे आपको आगे ले जाता है अपने जीवन में।
धनतेरस के दिन बहुत सारी चीजें हैं कि धनतेरस के दिन ही हम लोग खरीदारी करते हैं, सारा खरीदारी जो करते हैं लक्ष्मी पूजा के लिए, कहते हैं लक्ष्मी गणेश की मूर्ति भी उस दिन ले लेनी चाहिए। अभी आप आजकल चलन है और ये हमारे ग्रंथों में भी मिला है, झाड़ू का बहुत बड़ा महत्व है, झाड़ू का बहुत बड़ा महत्व है धनतेरस के दिन खरीदना। बहुत लोग इस कंफ्यूजन में है कि झाड़ू खरीदे या नहीं खरीदे धनतेरस के दिन, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। बहुत लोग कहते हैं झाड़ू हमें खरीद लेना चाहिए, बोल रहे हैं नहीं झाड़ू क्यों खरीदेंगे। तो मैं आपको बताऊं, हमारे ग्रंथों में उल्लेख है कि झाड़ू को मां लक्ष्मी का स्वरूप कहा गया है। क्यों कहा गया है, इसके पीछे का लॉजिक को समझिए। हमारे घर में जो गंदगी है उसको शनि कहा गया, उसको राहु कहा गया, जो उस गंदगी को सफाई करे, उस निगेटिविटी को सफाई करे, वही हमारा धन है, वही हमारी स्वच्छता है, वही हमारा धन है। इसलिए झाड़ू को जो है ना माँ लक्ष्मी का रूप कहा गया है, और झाड़ू जरूर खरीदना चाहिए, विषम संख्या में खरीदना चाहिए, 1, 3, 5, 7 ऐसे संख्या में आप खरीद सकते हैं, जितना आपको जरूरत है, जितना आपने जरूरत के हिसाब से आप झाड़ू खरीद सकते हैं। एक मैं विधि बताऊंगा, एक मैं टोटका बताऊंगा कि अगर आप झाड़ू खरीद के लाते हैं तो घर में घुसने से पहले, झाड़ू जब आप बाजार से खरीद के लाते हैं घर में घुसने से पहले उस पर एक लाल धागा बांधिए, उसके जो उसके ऊपर में एक लाल धागा बांधिए और फिर घर में प्रणाम करके घुसिए, फिर उस लाल धागा को खोल के जहां पर भी आप पैसा रखते हैं, आपका गल्ला है, दुकान का आपका जो है उसको रखिए। कहा जाता है ये एक टोटका है जो आपको ब्रक कर देगा, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, धनतेरस के दिन पीतल का बर्तन आप किसी भी राशि के हो, ऐसे में राशि वाइज भी मैं बताऊंगा कि किन राशि वालों को क्या खरीदना चाहिए, क्योंकि इस बार का दिवाली का संयोग बड़ा अच्छा है। इस बार तुला राशि में चार चार ग्रह है, ठीक है, इस बार तुला राशि में चार चार ग्रह है, सूर्य मंगल बुध और चंद्रमा, ये चारों ग्रह इस बार तुला राशि में रहेंगे दीपावली के दिन, तो ये भी एक बहुत बड़ा संयोग है। तुला राशि भी ऐश्वर्य का ही राशि, उसका स्वामी भी शुक्र है, तो ये भी एक बहुत बड़ा संयोग है। तो पीतल का बर्तन धनतेरस में जरूर खरीदना चाहिए। पीतल का बर्तन क्यों, क्योंकि पीतल का बर्तन जो कहा जाता है कि भगवान विष्णु को प्रिय है, और भगवान विष्णु के प्रिय कौन है, तो लक्ष्मी प्रिय है, तो लक्ष्मी की पूजा के लिए अगर आप कुछ खरीदे तो पीतल का बर्तन जरूर खरीदे। और कुछ उपाय है जो पीतल के बर्तन से अगर इस दीपावली आप करेंगे तो आपके घर में आएगी सुख समृद्धि, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पीतल की बर्तन खरीदने के बाद क्या करना है। पीतल के बर्तन में भगवान को जरूर भोग लगाइए, आपको मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है, क्योंकि आप पीतल के बर्तन में लगाते हैं तो भगवान विष्णु ऑटोमेटिक खुश हो जाते हैं, और विष्णु के बिना लक्ष्मी नहीं है, और लक्ष्मी के बिना विष्णु भी नहीं है। तो इस दिन गणेश लक्ष्मी की पूजा होती है, वो दीपावली में, मैं अगले एपिसोड में मैं इसको बताऊंगा कि गणेश लक्ष्मी की पूजा कब करें, क्या मुहूर्त है आपका, मैं उस हिसाब से आपको बताऊंगा। लेकिन जो ये जो धनतेरस की जो ये जो पूरी ये है, इसमें आप धनवंतरी की पूजा आपको जरूर करनी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आज के डेट में स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। अगर आप स्वस्थ हैं तो आपके पास कोई भी धन आ रहा है तो आप उसका लाभ ले पाएंगे, और आप अगर आप अस्वस्थ हैं तो आप कितना भी धनी व्यक्ति क्यों नहीं हो, आप अपने जीवन में उस धन का थोड़ा भी भोग नहीं कर पाएंगे। तो भगवान धनवंतरी की पूजा करनी है, कुबेर की पूजा करनी है। अब इसमें एक बहुत बड़ा समाज में कंफ्यूजन है कि बहुत सारे लोग लक्ष्मी की पूजा भी कर लेते हैं। देखिए, लक्ष्मी की पूजा जरूर करनी चाहिए धनतेरसी को, लेकिन लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए, आपका जो हमारा जो विधान है कि लक्ष्मी के लिए मूर्ति बैठाते हैं हम चेंज कर, वो लक्ष्मी पूजा दीपावली के दिन ही अच्छा है, और दीपावली के दिन ही करने दे, खास करके गृह जीवन में। हाँ, व्यापारिक स्तर पर कुबेर के साथ आप उनको रख सकते हैं। ऐसे समझिए इस चीज को कि आप किसी राज दरबार में जाते हैं किसी को मांगने, और आज उनके मंत्री का दिन है, मंत्री की पूजा करते हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि आप राजा को भूल जाएंगे और राजा की पूजा नहीं करेंगे। तो राजा की पूजा तो करनी है, तो मां लक्ष्मी की पूजा तो उस दिन जरूर करनी है आपको, लेकिन उस दिन जो विशेष पूजा है वो कुबेर के लिए पूजा है, धनवंतरी के लिए वो पूजा है। समुद्र मंथन से धनवंतरी निकले थे, जिनके हाथ में औषधि था, और बाद में वही हमारा आयु विज्ञान बना, औषधि विज्ञान बना, और आज औषधि विज्ञान बड़े पटल पे आज काम कर रहा है। आज भारत का नाम आज औषधि एक औषधि पूरी दुनिया में छाया हुआ है, और ये भारत की देन है, और भारत क्योंकि इसलिए देन है क्योंकि यही वो धरती है जहाँ पे भगवान आए, जहाँ पे सनातन धर्म है। तो सनातन धर्म हम लोग कहते हैं, विज्ञान से जुड़ा हुआ यह धर्म है, इस धर्म को समझने की देरी है। जो लोग नहीं समझते हैं उनको भी मैं कहूँगा इसको समझे। अब धनतेरस के दिन का जो सबसे मूल बात मैं आपको बताता हूं कि धनतेरस के दिन आप जब अपनी पूजा करें तो भगवान कुबेर से यही कामना करें कि हे कुबेर, मैं जितना भी कमाता हूं, जितना भी मैं रखता हूं,
उसमें बरकत देना। उससे क्या होगा कि आपकी जो धन हानि हो रही है वो धन हानि नहीं होगी, क्योंकि अगले दिन हम लोग नरक चतुर्दशी मनाते हैं, जिस दिन हम लोग यम का दिया निकालते हैं। मैं उसके बारे में भी कल बताऊंगा, लेकिन इस एपिसोड में मैं पूरा कॉन्सेंट्रेट करता हूँ मैं धनतेरस के ऊपर। तो धनतेरस के दिन जो आपका आपको सुबह उठना है, स्नान करना है, स्नान ध्यान करने के बाद उस दिन जो खास मुहूर्त है, जो उस दिन का अभिजीत मुहूर्त है, उसमें आप पूजा कर सकते हैं। अगर आप दिन में ही पूजा करना चाहते हैं तो उसमें आप पूजा कर सकते हैं, नहीं तो आप संध्या के टाइम में जो अच्छा मुहूर्त है 6:52 से लेकर आज 8:35 तक का, आप उसमें पूजा कर सकते हैं। उसमें पूजा करने के बाद घर में दीपक जलाइए, माँ लक्ष्मी की पूजा कीजिए, माँ लक्ष्मी के पास आप दीपक जलाइए और दीपक जला के भगवान कुबेर को खुश कीजिए। और उस दिन खरीदारी करने जरूर जाइए, कुछ ना कुछ जरूर खरीदिए। आपकी जितनी औकात है, जितनी यथाशक्ति है, जो शक्ति है आपके अंदर, आप जितना भी कर सकते हैं खरीदारी, कुछ ना कुछ नया खरीदिए। आप नया कुछ नहीं भी खरीद सकते हैं, अगर आप वो भी नहीं कर सकते हैं तो भगवान कुबेर को प्रणाम कीजिए। और उस दिन दीपदान का बहुत जो है ना बहुत महत्व है, तो दीपदान जरूर कीजिए उस दिन। आप जो है ना दीपदान कीजिए, भगवान विष्णु के मंदिर में जाना, पीतल के बर्तन में उनको खीर चढ़ाना, भगवान कृष्ण पे, भगवान कृष्ण को खीर चढ़ा के गरीबों में दान करना, घी चढ़ा के दान करना, ये त्रयोदशी को अगर आप करते हैं तो भगवान विष्णु, भगवान माँ लक्ष्मी आप पे प्रसन्न होती हैं, कुबेर आपसे प्रसन्न होते हैं और आपका धन संचय होता है और आपके जीवन में बरकत आती है। बिल्कुल, तो ये विशेष कार्यक्रम जो कि आज से हमने इसकी शुरुआत की है और ये धनतेरस के रात तक ये कार्यक्रम चलता रहेगा और अनोखी और रोचक जानकारियां आपको मिलती रहेंगी। पुष्पा सैनी जी नमस्कार, चंदन सराफ जी, प्रभात कुमार जी, शशि कुमार प्रजापति जी, अभय राजू जी, स्वागत है आप सबका। देखिए पुष्पा सैनी जी ने एक मन की बात कह दी है कि कल ही वो सोच रही थी कि लाइव आएंगे तो बहुत अच्छा होता, और कहते हैं ना कि मन की आवाज भी सुनी जाती है। आज लाइव आ गए, प्रभु की माता रानी की बहुत बड़ी कृपा है कि आपकी मन की आवाज मतलब भगवान ही कह सकते हैं, क्योंकि हम आप तो सिर्फ खेल रहे हैं, जो करने वाला है वो तो ऊपर वाला ही है। एक सवाल है इनका कि अष्ट धातु की मूर्ति है गणेश लक्ष्मी जी की, तो इनकी पूजा के लिए तो मैं कहूंगा पुष्पा जी कि ये आपने धनतेरस के दिन का सवाल कर लिया है, पूजा पर हम उस दिन फोकस करेंगे। एक सबसे बड़ा सवाल है बाबा कि जैसे खरीदारी करना, उस दिन आपने कहा कि खरीदारी जरूर करें जो अपनी स्वेच्छा से है, किस समय लोग खरीदारी करने निकले उसका भी कुछ मुहूर्त है? जी जरूर मुहूर्त है। सबसे पहले तो आप सबसे अपने घर में धनवंतरी की पूजा, भगवान कुबेर और माँ लक्ष्मी की पूजा करके घर से तब निकले आप खरीदारी करने के लिए, और कोशिश करें कि सायंकाल में ही खरीदारी करें। सायंकाल जो गोधली बेला होता है, जिसको हम लोग गोधली बेला कहते हैं, उस बेला में हम लोग खरीदारी अगर कर ले तो बड़ी उत्तम रहेगी। उस दिन बर्तन में जरूर कोई घर में रखे, खास करके अगर आप बर्तन खरीदते हैं तो रखे। हाँ, एक दो चीज मैं बताऊंगा धनतेरस में जो नहीं खरीदना चाहिए, जो फैशन के दौर में लोग खरीद लेते हैं, जैसे प्लास्टिक से बनी हुई चीजों को नहीं खरीदे, ग्लास से बनी हुई चीजों को नहीं खरीदे, शीशा और प्लास्टिक, हाँ शीशा और प्लास्टिक के चीजों को आप नहीं खरीदे तो बेहतर होगा, क्योंकि कहते हैं इसका जो पूरा एक महत्व है वो धातुओं पे आधारित है और ये धातु है नहीं, तो कहीं नहीं आप ना शीशा का चीज खरीदने की कोशिश करें उस दिन ना ये। हाँ, बहुत सारे लोग गाड़ियां खरीदते हैं धनतेरस के दिन, खरीदनी भी चाहिए क्योंकि वो भी आज के रेट में लक्ष्मी है, वो आपका वाहन है, वो आपके घर की लक्ष्मी है, तो आप वाहन की खरीदारी कर सकते हैं। आप घर में उपयोगी उन सारी चीजों की खरीदारी कर सकते हैं जो चीजें आप, नहीं कहना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं भगवान के लिए खरीदारी कीजिए। भगवान का बर्तन खरीद सकते हैं, उनके वस्त्र खरीद सकते हैं। कहते हैं गणेश लक्ष्मी जी को भी उस दिन लाया जाता है, तो उस दिन गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति को आप खरीद के लाइए। बहुत आप, एक कंफ्यूजन है मिट्टी के मूर्ति में, पीतल के मूर्ति में, चांदी के मूर्ति में। मिट्टी के मूर्ति वाले क्या करते हैं, वो पूजा करके पुराने वाले मूर्ति को विसर्जित कर देते हैं, नए वाले मूर्ति को स्थापित कर लेते हैं, प्राण प्रतिष्ठा कर लेते हैं उसमें। क्या ये सही है? पहली चीज 100% ये सही है, ये भी सही है और वो भी सही है। जो आप मूर्ति घर में रख रहे हैं वो भी सही है। इस कंफ्यूजन में बहुत लोग नहीं रहे, बहुत लोग कहेंगे नहीं मिट्टी का ही रखना चाहिए, एक को विसर्जित कर देना चाहिए। एक चीज समझिए कि जो लक्ष्मी है उनको देना है, आप कितनी श्रद्धा से पूजा करते हैं, किस मुहूर्त में पूजा करते हैं, कि क्या भाव है आपका पूजा करते वक्त, ये देखा जाता है। मूर्ति तो एक आकार है, उस आकार में भगवान विराजमान है, इसलिए उस पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। क्या विशेष उस दिन और खरीद सकते हैं हम लोग, वो धनतेरस के
दिन एक चीज का आपको ख्याल रखना चाहिए कि उस दिन गलती से भी आप झूठ ना बोले। धनतेरस के दिन आप गलती से भी झूठ नहीं बोले। ज्योतिष में तो ऐसे भी कहीं पे भी झूठ बोलना तो ये अवैध है, लेकिन धनतेरस के दिन अगर आप झूठ बोलते हैं, खास करके कर्जों को लेकर पैसों को लेकर आप किसी से झूठा कमिटमेंट करते हैं, तो भगवान कुबेर आपके साथ भी धोखा कर देंगे। इस चीज को याद रखिएगा। तो कभी भी झूठा कमिटमेंट, किसी भी तरीके का कमिटमेंट हो, आप वहां पे नहीं कीजिए तो आपके लिए बेहतर है। तो कभी भी कोई झूठा कमिटमेंट नहीं करे तो वो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा धनतेरस के दिन, क्योंकि धनतेरस में हम लोग जो बोलते हैं, जो करते हैं, जो क्रियाएं करते हैं, उनको संचेजते हैं, उसको सहेजते हैं, उसको बढ़ाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है ना, उस दिन हम लोग झूठ ना बोले तो हमारे लिए बहुत बेहतर रहेगा। हमने झाड़ू वाली बात बता दी, अब मैं आपको राशियों के हिसाब से बताता हूँ। झाड़ू वाली बात एक बार और बताएं, कुछ दर्शक जैसे प्रद्युमन गिरी जी, ओम प्रकाश चौधरी जी, नए दर्शक जुड़े हैं। झाड़ू का इन्होंने बताया कि जब आप झाड़ू खरीद कर ले जाएं अपने घर में, तो झाड़ू के ऊपर, झाड़ू के ऊपर एक लाल टुकड़ा, एक लाल धागा बांधे, या एक रंगा का लाल टुकड़ा भी उसके ऊपर बांध सकते हैं। जब आप प्रवेश करने से पहले, घर में प्रवेश करने से पहले आप करें, मां लक्ष्मी का ध्यान करते हुए झाड़ू को लेकर घर में प्रवेश कीजिए। फिर वो जो बंधन है, उस बंधन को आप खोल लीजिए, और जहां पर भी आप पैसा रखते हैं, या जहां पर भी आपके दुकान में गल्ला है, आपके व्यापारिक स्थान में जो गल्ला है, उस गल्ला पे फिर आप उस कपड़े को रख सकते हैं। मां लक्ष्मी की आपके आपके ऊपर कृपा आएगी, कुबेर की आपके ऊपर कृपा आएगी। झाड़ू अगर आप घर में लाते हैं तो ये बहुत सारे लोग जानते होंगे हमारे दर्शक, कि झाड़ू दिखना नहीं चाहिए। कहते हैं कि झाड़ू घर में घुसने के बाद किसी को दिखना नहीं चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी अगर बहुत दिखे तो अच्छा नहीं है। ठीक है, लक्ष्मी अगर बाहर दिखे तो वो वैल्यू उसकी खत्म हो जाती है। तो लक्ष्मी को दिखना नहीं चाहिए। झाड़ू को कभी खड़ा नहीं होना चाहिए। लक्ष्मी खड़ी होगी तो चली जाएगी। झाड़ू को हमेशा से लिटा के रखिए, ऐसे जगह रखिए जो बाहर के लोग उसको ना देख पाए। जरूरत पड़े तो झाड़ू को निकालिए, इस्तेमाल कीजिए, फिर उसको वापस अपनी जगह पे रख दीजिए। तो ये झाड़ू की कुछ ऐसी विधि है। पीतल का बर्तन जरूर खरीदना है आपको। अगर आप अगर आप किसी ऐसे व्यवसाय से जुड़े हुए हैं जिस व्यवसाय में पब्लिक को डील करते हैं, जिस व्यवसाय में आप कंसल्टेंसी देते हैं, जैसे मैं कंसल्टेंसी देता हूं, मैं लोगों को ज्योतिष का सलाह देता हूं, उस तरह से अगर आप इस तरह के किसी व्यापार में आप जुड़े हुए हैं, या आप सेल्स के अगर आप नौकरी करते हैं, सेल्स में काम करते हैं, या इस तरह के चीजों से अगर आप जुड़े हुए हैं, तो धनतेरस के दिन धनवंतरि की पूजा करके, कुबेर की पूजा करके, और गणेश को आप प्रार्थना कीजिए, और गणेश मंदिर में या विष्णु मंदिर में जाकर प्रसाद जरूर चढ़ाइए। क्योंकि भगवान विष्णु को कहिए कि हे पालनकर्ता, जैसे तुम पालन सबको मैनेज कर रहे हो, वैसे मैं चीजों को मैनेज करता चला जाऊं, तो और मुझे बरकत दो। चलिए, विकास गुप्ता जी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, स्वागत आपका। आशुतोष रंजन जी, विकास खेतान जी, आप सबका स्वागत। देखिए, दो तीन सवाल हालांकि वो हम करेंगे। धनतेरस के दिन क्या करना चाहिए, ओम प्रकाश चौधरी जी, वो तो बाबा ने बता दिया। और दुकान में पूजा कब करनी चाहिए धनतेरस के दिन? दुकान में पूजा, हालांकि मेरे समझ, देखिए एक सिंपल एक चीज है, मैंने बोला ना कि ये धनवंतरि का दिन है, धन कुबेर का दिन है, ये यहाँ पे बहुत सारे लोग पूजा कर लेते हैं। व्यवसायिक प्रतिष्ठान में तो कुछ हद तक चल जाता है कि लक्ष्मी गणेश की उस दिन आप पूजा कर लेते हैं। पूजा तो 100% त्रयोदशी को करनी है आपको, मतलब धनतेरस की पूजा तो करनी है, लेकिन धनवंतरि की पूजा करनी है, कुबेर की पूजा करनी है, मां लक्ष्मी की भी पूजा करनी है, उस दिन गणेश की भी पूजा करनी है, लेकिन पूजा करनी है आपको, मूर्ति का अदला बदली नहीं करना है। इस चीज को समझिए, आपको पूजा करनी उस है, दिन मूर्ति का अदला बदली नहीं करना है। लक्ष्मी पूजा के दिन आप स्थापित करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, लेकिन बहुत सारे लोग कर लेते हैं, तो इसमें कहीं से कोई दोराय नहीं है। कीजिए, कर सकते हैं। ये क्वेश्चन है कि अगर कर सकते हैं कि नहीं, तो आराम से आप कर सकते हैं। जो उसका मुहूर्त है, अभिजीत मुहूर्त में करेंगे, या जो 6:52 से लेकर 8:35 तक का जो मुहूर्त है उसमें आप करें। एक बहुत अच्छा सवाल किया है पुष्पा सहनी जी ने, कि गणेश जी की मूर्ति को खरीदते समय सूंड दाहिनी तरफ होना चाहिए, बाईं तरफ होना चाहिए? आपके हाथ से बाईं तरफ होनी चाहिए, और आपके हाथ से बाईं तरफ होनी चाहिए। गणेश जी का सुर अगर दाईं तरफ का होता है तो कहते हैं बहुत शुभ होते हैं गणेश जी, और अगर वो बाईं, अगर आपके हाथ के दाहिनी तरफ अगर आपका हाथ होता है, जो गणेश जी का वो बाएं तरफ हो जाता है, तो बाएं तरफ का जो सुर होता है उसको ठीक ही कहते हैं। गणेश गणेश है, वो तो हमेशा शुभता का ही प्रतीक है, तो उसमें कुछ अच्छा या बुरा तो कुछ होता नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी इसमें अधिक
शुभता मानने की अगर बात है तो मैं कहूंगा कि गणेश जी का सूर्य दाहिने तरफ होना चाहिए, मतलब आपके हाथ के बाएं तरफ होना चाहिए और उनके दाहिने तरफ होना चाहिए। अच्छा, लक्ष्मी जी की भी मूर्ति खरीदते हैं लोग तो उसमें भी कहा जाता है कि मुट्ठी बंधी होनी चाहिए या खुली होनी चाहिए? नहीं, मैं आपको बताता हूँ, लक्ष्मी जी की जो मूर्ति होती है वो बैठा हुआ होना चाहिए। पहला चीज तो आप ये देखें कि बैठे हुए हैं कि नहीं। कमल के फूल पे बैठे हुए बहुत लक्ष्मी जी मिलती हैं, जो कि नहीं लेना चाहिए। मैं कमल के फूल पे बैठे हुए बहुत सारी लक्ष्मी जी मिलती हैं जो नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कमल का फूल का जो नीचे बेस होता है वो जल में होता है और जल कभी स्थिर नहीं होता है। वैसे तो कहते हैं लक्ष्मी ही चंचला है, वो कभी स्थिर नहीं होती, और उसको आप कमल के फूल पे आप विराजमान कराते हैं, उनको किसी आसन पे बैठे हुए होना चाहिए और वो हाथ से देती हुई आपके उस अवतार में आप लीजिए। कहते हैं मुट्ठी बंद, जो कहते हैं मुट्ठी बंद, अगर लक्ष्मी बंद करके ही आपके पास बैठेगी तो वो धन दिखने को जमीन जायदाद हो जाएगा, कैश फ्लो नहीं होगा। तो कहते हैं उस व्यापारिक भाषा में समझिए कि अगर आपके खास में टर्नओवर नहीं हो, लाख पैसा है, तो मजा नहीं आएगा जिंदगी में, फिर उस पैसे का कुछ कर नहीं पाइएगा। इसलिए खुले हुए लक्ष्मी जी को ही आप लीजिए और बैठे हुए आसन पर बैठे हुए लक्ष्मी जी, वो कुर्सी हो सकता है, आसन आसन सिंहासन बना हुआ हो सकता है उनका, बहुत तरह का आसन बाजार में मिलता है आपको, बैठे हुए प्रकार मिलते हैं, लेकिन ये वो रख सकते हैं। झाड़ू खरीद के कहां पर रखना चाहिए? झाड़ू खरीद के किसी ऐसे जगह पर रखे जहां पे कोई बाहरी आदमी उस झाड़ू को नहीं देखे, या आप भी नहीं देखे, बच्चे उसका उसको पैर नहीं लगाए, आप लोग से पैर न लगे, किसी ऐसे स्थान पे उसको इस्तेमाल करके रखे, जैसे किसी दरवाजे के पीछे आप लिटा के रख सकते हैं। झाड़ू को खड़ा नहीं रखना चाहिए, किसी अच्छे स्थान पे उसको लिटा के रख सकते हैं, किसी छुपे हुए स्थान पे रख सकते हैं, किसी पर्दे के पीछे रख सकते हैं, बिस्तर के नीचे रख सकते हैं, पलंग के नीचे रख सकते हैं, तो ऐसे स्थान पे आप झाड़ू रखें। ऐसे जगह पर जहां पर दिखे नहीं वो ज्यादा अच्छा होगा। आशुतोष रंजन जी लिख रहे हैं, इनका एक सैलून है मेकअप ट्रॉपिकाना, धनतेरस में क्या खरीदे सैलून के लिए खास तौर पर? देखिए, धनतेरस में सबसे पहला चीज तो एक चीज जो मना किया गया है आशुतोष जी, की टूल कुछ भी नहीं खरीदना है, कैंची चाकू जो भी टूल होता है, जो भी औजार किससे संबंधित जो चीजें होती हैं उसको खरीदने से बचना। क्या खरीद सकते हैं धनतेरस में अपने सैलून के लिए? आप अपने सैलून के लिए अगर एसी लगवाना चाहते हैं नया, तो नया एसी ले लीजिए, नया चेयर ले लीजिए, आप चेयर ले लीजिए, आप नया 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 चेयर ले लीजिए धनतेरस के दिन। आप अपने कस्टमर के लिए आप नई टीवी ले सकते हैं उनके मनोरंजन के लिए, वो आपके फ्लो, वो लक्ष्मी है, वो लक्ष्मी को रोक के रखेगी। वो जो है ना, मनोरंजन क्या होता है, आप किसी में सिनेमा हॉल में जाते हैं मनोरंजन करते हैं, तो वो आपके लक्ष्मी को रोक के रखते हैं। आप टीवी ले सकते हैं अपने सैलून के लिए, जो क्रीम है, जो कॉस्टली क्रीम है उसको, उसकी खरीदारी आप कर सकते हैं। कभी भी आप टूल की खरीदारी नहीं करेंगे, कंघे की खरीदारी नहीं करेंगे, क्योंकि आपके यहाँ इस्तेमाल जरूर होता है लेकिन धनतेरस में अवैध है। झाड़ू भी खरीद सकते हैं? झाड़ू तो खरीदना ही है, झाड़ू मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ, झाड़ू जरूर खरीदे। हाँ, झाड़ू जरूर खरीदे, हाँ जरूर खरीदे, बिकता भी है झाड़ू, लेकिन हाँ को बिकता भी है। चलिए, एक आखिरी टॉपिक, ये आखिरी हमारा आज का, सोने और चांदी में जो लोग कहते हैं सोना खरीदने से ज्यादा प्रॉफिट होगा उस दिन या चांदी, हालांकि अभी रेट बहुत कम है सोने चांदी का। मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन है कि सोने खरीदने से लाभ होगा कि ये खरीदना, देखिए एक चीज समझिए, अगर आप सक्षम हैं, सक्षम व्यक्ति हैं तो आप सोना खरीदेंगे, अगर आप नहीं है तो पीतल खरीदेंगे, मतलब अंततः आपको सोना खरीदना चाहिए। चांदी का जो है, चांदी का बर्तन आप इस्तेमाल करने के लिए ले सकते हैं, चांदी का बर्तन आप खाने के लिए ले सकते हैं, चांदी का गिलास ले सकते हैं, वो अपने इस्तेमाल के लिए ले सकते हैं। भगवान के लिए कुछ पीतल का बर्तन या सोने का चीज लीजिए, ठीक है, घर में रखने के लिए सोने का चीज लीजिए या पीतल का चीज लीजिए, वो ज्यादा बेटर। सोना खरीदना चाहिए, और जो सक्षम है, और कहीं ना कहीं अभी आप देखेंगे जो अभी बाजार भी है वो काफी मंदा है, मंदा, तो सोने का ये तो सूप की बात, पीतल का सूप भी खरीद सकते हैं। हाँ, छठ के लिए लोग खरीदते हैं। क्या है कि हमारे यहाँ छठ बहुत महान पर्व है, महापर्व है एक, तो इस पर्व के लिए तो लोग सूप खरीदते हैं, तो वो पीतल का खरीदते हैं, सूर्य को अर्घ देते हैं, तो जरूर खरीदिए, एकदम खरीदिए। रजत चौधरी जी लिख रहे हैं कि स्पेयर पार्ट्स की दुकान है, ये क्या करें जो इनके लिए धनतेरस में अच्छा हो स्पेयर पार्ट्स? देखिए, स्पेयर पार्ट्स की दुकान है तो आपको तो धन कुबेर की पूजा तो एकदम करनी है, पंडित से करवाइए आप पूजा। सबसे पहले तो आप पंडित को बुला के धन कुबेर की, कुबेर जी की फोटो को रख के, धनवंतरी के फोटो को रख के आप करवाइए, और क्योंकि आपकी पार्ट्स की दुकान है, लोहे की दुकान है, लोहे एक्चुअली लोहा ही है वो, ठीक है, लोहे की दुकान है, तो उस दिन एक विशेष जो आपके लिए मैं बता रहा हूँ, अनडाउटली आपने लोहा का दुकान
खोला है तो आपका शनि बहुत बेहतरीन होगा, तभी आपने लोहा का दुकान खोला है या लोहा का दुकान को आप चला पा रहे हैं। तो अगर आप उस दिन अपने अपने उस दिन थोड़ा सा आप जो है ना चीजों का दान कर सकते हैं, आप अन्न का दान अगर उस दिन आप करते हैं, भगवान विष्णु के मंदिर में चढ़ा के अन्न का दान या प्रसाद का दान करते हैं तो ये आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। चलिए, तो अन्न का दान करें वो ज्यादा शुभ रहेगा आपके लिए। पूनम सिंह जी लिख रही हैं कि कन्या राशि वालों को क्या लेना चाहिए धनतेरस के लिए। मैं भी सारी राशियों के बारे में बताता हूँ एक लाइन में, आप भी सुन लीजिए। हाँ, एक पहले उसके पहले एक सवाल और ले लेते हैं सुजीत शाह जी का कि घर के लिए टीवी खरीद सकते हैं क्या। एकदम खरीद सकते हैं, लेकिन घर के लिए टीवी, घर में जो टीवी होता है वो मनोरंजन के लिए इस्तेमाल होता है। अभी मैंने किसी को बताया कि दुकान के लिए टीवी खरीदिए, वो आपके कस्टमर को इंटरटेन, उनको उसको लक्ष्मी को रोकने के लिए इस्तेमाल की जाती है, लेकिन ये इंटरटेनमेंट की साधन है। तो आप एज ए लक्ष्मी तो उसको मान सकते हैं, लेकिन बहुत प्रीसियस नहीं है। घर के लिए टीवी खरीदना बहुत प्रीसियस नहीं है। धनतेरस के नाम पर आप जरूर खरीदिएगा, लेकिन हाँ दुकान के लिए आप खरीद सकते हैं टीवी, घर के लिए ठीक है। घर के लिए उसके साथ आप बर्तन जरूर लीजिए, पूजा का सामान जरूर लीजिए, सोने का कुछ आइटम ले, वो घर में लक्ष्मी के रूप और धन के रूप में रहेगा। एक चीज और, चांदी का चौकोर टुकड़ा, चांदी का चौकोर टुकड़ा, जिन लोगों के पास कोई आइडिया नहीं है, उनकी कोई जरूरत नहीं है कि घर में अभी बर्तन कर दे, भगवान के पास भी सारा बर्तन है, अपने पास भी सारा बर्तन है, उनको समझ में नहीं आ रहा है, तो चांदी का सिक्का खरीदने का जो है ना योग है। मतलब एक चल गया है कि चांदी का सिक्का खरीद लो, नहीं कुछ कर दो चांदी का सिक्का खरीद लो। मैं कहता हूं कि चांदी का चौकोर टुकड़ा बनवाइए और उसको खरीदिए, क्योंकि वो आपके चार चार ग्रहों को शांत करता है, बुध को, शनि को, चंद्रमा को, ठीक है, और राहु को शांत करता है वो चौकोर टुकड़ा। केतु के लिए अच्छा उपाय होता है चौकोर टुकड़ा, तो आप 10 ग्राम 20 ग्राम 25 वो तो आता भी है। हाँ, चौकोर, हाँ, वो सिक्का टाइप, हाँ, चौकोर बिस्किट आता है, बिस्किट आता है, हाँ। उस बिस्किट को खरीदिए, गोल सिक्का से अच्छा है कि आप वो खरीदे, तो आपका एस्ट्रोलॉजिकली ज्योतिष से भी कुछ ना कुछ कल्याण हो जाएगा। चलिए, घर में कुबेर की पूजा कैसे करें। देखिए अमित मणि भारद्वाज जी, वो हम जब मुहूर्त बताएंगे और पूजा का विशेष, अभी आज से तो हमारा ये कार्यक्रम, अभी हमने मुहूर्त नहीं बताया है कि घर के मुहूर्त कौन सा है। मैं मुहूर्त बताऊंगा, उसमें पूजा विधि बताऊंगा, मैं स्टेप टू स्टेप मैं आपको पूजा विधि बताऊंगा कि घर में बिना पंडित के आप कैसे पूजा करें। पंडित आ जाए तो मेरी बात सुनने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिन लोग जो लोग पंडित नहीं बुलाते हैं या जिनके यहाँ पंडित नहीं आते हैं पूजा करने, वो घर में अगर पूजा करना चाहते हैं बहुत सिंपल में और भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो मैं उनके लिए मैं कल मैं सारी विधि बताऊंगा। बिल्कुल। अनुकुमारी जी, अभिषेक सिंह जी, झाड़ू तो लीजिए ही, वो सब दुकान में काम आएगा, वो झाड़ू देने के लिए, कचरा हटाने के लिए, वो लक्ष्मी का बहुत ज्यादा अच्छा प्रतीक माना जाता है। और इसके बारे में हम एक कल विशेष कार्यक्रम रख लेते हैं कि किस चीज के व्यापार में कौन सा चीज धनतेरस के दिन खरीदना चाहिए। एकदम, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें हम कल बात करेंगे। आप राशियों के हिसाब से आज जान ले कि कौन राशि वाले क्या खरीदें कि धनतेरस के दिन वो लाभ हो, ये बताइए। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि। मेष राशि का स्वामी जो होता है हमारा मंगल होता है। इन राशियों वालों को धनतेरस के दिन जो है ना वो आपको सोना से संबंधित, अगर आप सक्षम है तो सोना खरीदिए, नहीं तो फिर पीतल खरीदिए। आप तांबा भी का भी खरीदारी कर सकते हैं, तांबे के बर्तन को भी आप खरीदारी कर सकते हैं, ये तीन चीज खरीद सकते हैं। वाहन खरीदना का अगर आपकी इच्छा है तो इस बार आप वाहन भी खरीदिए, इस बार संयोग बहुत अच्छा है तो माता रानी चाहेंगी तो वाहन भी खरीद सकते हैं। घर कोई बुक करना चाहते हैं तो धनतेरस बड़ा कुछ कीजिए, अपने लिए घर खरीदिए। मेष राशि वाले। अब आते हैं वृष राशि वालों की बात। वृष राशि वालों, इस बार आपको क्या करना है वृष राशि वालों के लिए, इस बार जो है ना वो क्रीम कलर से कोई भी संबंधित, जैसे कि इस बार वृष राशि वाले स्टील का बर्तन खरीद सकते हैं, स्टील का बर्तन आप खरीद सकते हैं, चांदी का बर्तन आप खरीद सकते हैं। इस बार क्रीम कलर का कोई भी चीज खरीदे, अगर कोई भी नया वस्तु खरीदने जा रहे हैं, घर का चादर वगैरह भी अगर आप खरीदने जा रहे हैं या कुछ भी खरीदने जा रहे हैं, तो क्रीम कलर का इस्तेमाल करें। क्रीम कलर से संबंधित चीजें जिसमें पीला और व्हाइट का फ्यूजन हो, जिस कलर में पीला और व्हाइट का फ्यूजन हो, क्योंकि बृहस्पति जो है ना 30 तारीख को जा रही है, धनु राशि में आ गई है, तो उस हिसाब से जो फ्यूजन हो उस फ्यूजन से रिलेटेड अगर काम करते हैं तो अच्छा रहेगा आपके लिए। अब हम लोग बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन राशि वालों के लिए क्या करना चाहिए, मिथुन राशि वालों के लिए आप खुल के गाड़ियों का गाड़ी खरीद सकते हैं, लग्जरियस जुड़ी हुई जो चीजें हैं आप खरीद सकते हैं। आप सोने से संबंधित चीज से ज्यादा बचे, आप सोने से बचना है मिथुन राशि वालों, आपको सोने और पीतल से बचना है, आपको चांदी और स्टील की तरफ आप जा सकते हैं। आप घर के बर्तन इस्तेमाल करने वाली चीजें जा सकते हैं, पीने वाला पानी
पानी खरीद सकते हैं, ऐसा वाटर प्यूरिफायर अगर आरो, आप आरो, हाँ, आरो वगैरह अगर आप खरीदना चाहते हैं, पानी से संबंधित कोई चीज रखने और रख रखाव से संबंधित कोई चीज अगर आप खरीदना चाहते हैं तो वो आपके लिए एक्वेरियम फिश टैंक। हाँ, फिश टैंक देखिए, फिश टैंक में फिश होता है, जो फिश हर चीजों को काटता है, वास्तु के हिसाब से कुछ उसकी अलग महत्ता है, इसलिए मैं फिश टैंक को मैं प्रिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ, वो एक अलग चीज होगा, मैं उसको एक अलग टॉपिक करूंगा, मैं फिर बताऊंगा। अब हम लोग आते हैं कर्क राशि वालों, कर्क राशि वालों के लिए क्या खरीदना है, कर्क राशि वालों के लिए ऐसी चीजें जो आराम की चीज हो, मतलब इस बार आप अपने लिए टेबल कुर्सी या बिस्तर अगर आप खरीद सकते हैं तो जरूर खरीदिए, अपनी आराम की कुर्सी लेके आइए घर पे, एंजॉय कीजिए, और भगवान के लिए अगर आप कान्हा को मानते हैं तो उनके लिए झूला खरीदिए, माता को मानते हैं उनके लिए अच्छी चुनरी खरीदिए, उनके लिए झूमर खरीदिए, उनके लिए पायल खरीदिए, ठीक है, तो आप माँ के मंदिर में दान दे सकते हैं, मतलब आप भगवान के लग्जरियस की चीजें, शौक की जो चीजें होती हैं, जो महिलाओं शौक की चीजें कहती है, मेकअप की चीजें, शौक की चीजें जो होती हैं उनसे संबंधित गहनों, अब महिलाएं कहेंगी गहना तो खरीद ही सकते हैं, तो गहना तो जरूर खरीद सकते हैं, जरूर खरीदे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आते हैं सिंह राशि वालों की बात करते हैं, सिंह राशि वालों को सोना खरीदना चाहिए, सोना खरीदना आपके लिए शुभ रहेगा, सोना नहीं तो पीतल खरीद सकते हैं, हाथ में पहनने के लिए कोई भी मेटल, अगर आप बाला पहनना पसंद करते हैं, ब्रासलेट पहनना पसंद करते हैं, या सिंह राशि की जो महिलाएं हैं वो अपने लिए मेटल का कोई धातु का कोई बाला ले सकती हैं, कोई करा ले सकती हैं, गले का कुछ ले सकती है, लेकिन बाह में बांधने के लिए कुछ अगर आप लेते हैं तो आपके लिए शुभ रहेगा। कन्या राशि वालों के लिए, कन्या राशि वालों के लिए जो है इस बार बहुत अच्छा समय है कन्या राशि वाले, अगर इस वक्त वो ये खरीद चांदी से बना हुआ बर्तन खरीदते हैं जिस बर्तन को रोज इस्तेमाल कर सके, अगर आप सक्षम है तो आप गिलास खरीदिए उसमें रोज पानी पीजिए, आप कटोरा खरीदिए उसमें रोज सब्जी खाइए, ठीक है, इस तरह की चीजें अगर आप करते हैं तो आपके लिए अच्छा होगा, भगवान के लिए जरूर आप कुछ ना कुछ खरीदिए। और हाँ, एक चीज का ध्यान रहे कन्या राशि वालों, अगर आप चाहते हैं कि आपके आपके आने वाले सालों भर शुभता और धन बना रहे तो इस बार सफेद चीजों का दान भी आपको थोड़ा बहुत करना है, धनतेरस के दिन कुछ दान करना है, कुछ प्रसाद बंटवा दीजिए, आप इलायची दाना जो सफेद कलर का होता है आप उसका प्रसाद बांट के चढ़ा कर भगवान को किसी को चढ़ा दीजिए, विष्णु मंदिर जाइए, आपके लिए शुभ रहेगा। तुला राशि वालों के लिए क्या करना है, तुला राशि वालों के लिए इस बार फिर से मैं वही बोलूंगा जो वृष राशि वालों के लिए करना था कि आप क्रीम कलर जो है ना, क्रीम कलर से संबंधित चीजें आप खरीद सकते हैं जिसमें पीला और व्हाइट का जो फ्यूजन हो, जैसे चांदी। हाँ, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स खरीदने से बचिए, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम खरीदने से बचिए, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स जो होते हैं, जो टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, आप धनतेरस के दिन खरीदने से थोड़ा बचिए तो बेटर होगा तुला राशि वाले। वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या करना चाहिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए इस बार बहुत अच्छा समय है वाहन खरीदने का, वृश्चिक राशि वाले अगर वाहन खरीदना चाहते हैं तो उनके लिए सबसे शुभ योग है, वाहन के लिए तो सबसे अच्छा दिन है ये, वाहन आप प्लान कर सकते हैं, वाहन को आप बुक कर सकते हैं, इस बार आप कोई ऐसा गैजेट खरीद सकते हैं जैसे कि अभी चला स्मार्टफोन्स खरीद सकते हैं, स्मार्ट वॉचेस खरीद सकते हैं, इस तरह की चीजों को भी आप कर सकते हैं, लेकिन साथ में भगवान का बर्तन लाना नहीं भूलिए, ठीक है। अब आइए धनु राशि वालों को क्या करना चाहिए, धनु राशि वाले इस बार जो है बहुत कमाल का चीज कर सकते हैं, धनु राशि वालों के लिए घर का योग ये धनतेरस लेके आया है, जितने भी धनु राशि के लोग हैं खुश हो जाइए, हो सकता है आने वाले एक साल में मां लक्ष्मी आपको अपना एक निवास दे दे, अगर आपके पास निवास नहीं अगर है भी तो नया दे दे, ये भी हो सकता है, तो धनु राशि वाले या तो अपने घर को घर का बुक करें, का बुकिंग करें घर के लिए, और घर से जुड़ी हुई सामान को खरीद सकते हैं, घर के सजाने का सामान आप खरीद सकते हैं, वास्तु से रिलेटेड सामान खरीद सकते हैं, ऐसी चीज जो कोई दोष है जो कि अच्छी नहीं लग रही है आप उसको बदल सकते हैं, इस बार अपने घर में कोई चीज अगर आपको अच्छी नहीं लग रही है तो उन चीजों को आप धनु राशि वाले जो है उसको बदल सकते हैं। बात करते हैं मकर राशि वालों की, मकर राशि वाले क्या करेंगे इस बार, मकर राशि वाले इस बार जो है ना ऐसा सामान खरीदेंगे जो उनके बच्चों के काम के आएगा, जो छोटे के काम में आएगा, जो घर के बड़े हैं उनको ध्यान देना है, अगर वो मकर राशि के हैं तो अपने बच्चों के इस्तेमाल के लिए, अपनी उनसे जो छोटे हैं जिनकी जिम्मेवारियां हैं उनके ऊपर, उनके इस्तेमाल के लिए अगर कुछ खरीदते हैं तो उनके लिए बहुत शुभ रहेगा। आइए कुंभ राशि वालों की बात करते हैं, कुंभ राशि वालों के लिए ये धनतेरस कुछ विशेष लेके आया, कुंभ राशि वालों आपको पढ़ाई लिखाई से संबंधित कुछ चीजें खरीदनी है, ज्ञान से संबंधित कुछ चीजें खरीदनी है, और इस बार आप कर्जे देने से धनतेरस में बचे, कर्जा देने से और कुछ किसी भी तरीके का कमिटमेंट करने से आप बचे तो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि कुंभ राशि वालों अगर आप इस बार आपने कमिटमेंट किया तो हो सकता है अगले एक साल तक के लिए लक्ष्मी जो है ना आप रुष्ट हो जाए, तो गलत कमिटमेंट नहीं करेंगे और कर्ज देने से थोड़ा बचेंगे, और धनतेरस के दिन तो कहते हैं कर्ज देते नहीं, दीपावली क्यों कोई कर्ज देता नहीं है, लेकिन दीपावली के बाद भी अगले एक साल तक के लिए मैं बता रहा हूं कुंभ राशि वालों
इस पर आपको ध्यान देना है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे मीन राशि को। मीन राशि को सिंपल एक चीज है कि मैंने बोला ना, फिर मैं वही बोलूंगा कि लग्जरियस से चुरा हुआ आपने आराम तलवी की कोई चीज लेके आइए, कोई ऐसा चीज लेके आइए। कांस का बर्तन आप जरूर खरीद के लाइए, कांस का बर्तन आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। चलिए आकिब जावेद जी, हम पता कर लेंगे और बता देंगे हम आपको आपकी राशि के बारे में। हालांकि आपको राशि नहीं पता है, पिंकेश रोशन जी स्वागत आपका, अनु कुमारी जी आपका तो आपको पता चल गया होगा। तुला राशि वालों के लिए नवीन चौधरी जी स्वागत आपका। एक सवाल है मेरा, जो कि हमारी संस्कृति, इसी सवाल के साथ हम आज लास्ट करेंगे, खत्म करेंगे आज के इस विशेष कार्यक्रम को, जो कि दिवाली और धनतेरस स्पेशल हमने किया है। आज से ये शुरू हुआ है, धनतेरस की रात तक हम इसको लगातार रोज दिन आपको दिखाएंगे। एक बाबा अभी जो प्रचलन है, आपने कहा लाइटें जो बिकती हैं, चाइनीज लाइटों का बहुत जमाना हो गया है। हमारी जो पारंपरिक चीज है, जो दिया, दिवाली में कहा जाता है दीप से रोशनी होती थी, आज लोग उसको छोड़ते चले आए। थोड़ा सा हम चाहेंगे कि 8-10 सेंटेंस उस पर अगर आप दिया के महत्व को। बहुत अच्छा टॉपिक बोला मुकेश जी आपने। देखिए एक चीज समझिए, हमारे शास्त्रों को जब पढ़ेंगे तो दीपों का ही महत्व है। जो तेल से जलता हुआ जो दिया है, वो जिस भगवान के युग से आप देखिएगा तो उसी का दिया है। कहते हैं साईं इसलिए प्रचलित हुए थे कि उन्होंने पानी से दिया जला दिया था, कहा जाए उनके बारे में कथा है कि उन्होंने पानी से दिया जला दिया था दीपावली के दिन। तो कहने का मतलब बस यही है कि दियों का एक अपना महत्व है। तो अब कहते हैं कुछ लोग जो सनातन के साथ नहीं मानते हैं या उनको कन्फ्यूजन में है कि वो सनातनी है या नहीं, वो कहते हैं पहले लाइट थी नहीं तो दिया की बात नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, अब तो लाइट आ गई तो लाइट की बात करेंगे। देखिए ऐसा है, इसके ऊपर मैं एक छोटा सा बात कहना चाहूंगा कि आप कितना भी ऊंचे चले जाइए, आप कितने भी बड़े हो जाइए अपने जीवन में, लेकिन कुछ चीजें आपकी बेसिक है। साइंस कितना भी ऊपर चला जाए प्रजनन नहीं कर सकता, वो हमारी माताएं ही हम करेंगी। कोई साइंस कितना भी ऊपर चला जाए तो इसका ये मतलब नहीं कि हर चीज का मॉडिफिकेशन हो जाए। इंसान कितना ही बदल जाए उसकी दोनों आंख पीछे नहीं चली जाएगी, दोनों आंख बगल में नहीं चली जाएगी। इसलिए कुछ चीजें जो है वो 100% है, कुछ चीजें जो है वो 100% है। और यकीन मानिए कि आप अपने जो सनातनी धर्म में जो दीपों का जो महत्व है, उसको मिट्टी के दिए का एक अलग महत्व है। और हाँ, अगर आप भगवान लक्ष्मी को, मां लक्ष्मी को खुश करना चाहते हैं, कुदन कुबेर को खुश करना चाहते हैं, तो विष्णु का सहारा लीजिए। आप पीतल के दिया में आप ये जला सकते हैं, पीतल के दिया में जो है ना दीपक आप जला सकते हैं। पीतल के दिया में अगर आप दीपक जलाते हैं तो वो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। बाकी आप मिट्टी का दिया ही इस्तेमाल करें और यकीन मानिए हमारे और आपके देश के जो गरीब होते हैं वो इस मिट्टी के दिया को बनाते हैं। तो इस दीपावली आइए हम कसम खाएं कि मिट्टी के दियों को जलाएंगे। और बात रहा कि अभी बहुत बड़ा राष्ट्रवाद भी चल रहा है इस पे, चाइना को आप सपोर्ट कर रहे हैं, चाइनीज लाइट जला रहे हैं और ये कर रहे हैं, तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा इसके ऊपर। छोटा सा बात मैं कहना चाहूंगा कि वो इंसान ही क्या जो अपने वतन से प्यार ना करे, और उस इंसान ही क्या जिसको अपने वतन की फिक्र ना हो। तो अगर वतन की फिक्र करते हैं तो चाइनीज लाइटों को बाय बाय कहिए, उस मिट्टी के दिया को जलाइए। लोग कहते हैं कौन जलाएगा, कौन आएगा, कौन करेगा, तो मैं आपको बस इतना ही बताऊंगा कि जहां चाह होती है वहीं राह होती है। अगर आपकी चाह है वो करने की तो ये संभव है। हाँ, इंडियन लाइट भी मिलती है, बहुत सारी आपकी लरियां मिलेंगी, ऐसा नहीं है कि आप चाहे, लेकिन चाइना को सपोर्ट ना करें, चाइना ने क्या किया कैसे किया ये हम लोग, लेकिन हमारा विषय वो नहीं है, हमारा विषय ज्योतिष से है। तो मैं आपको बस इतना ही बोलूंगा कि ज्योतिष में जो महत्व दीप का है, दीपदान का है, नरक चतुर्दशी आती है जिस दिन हम लोग दीपदान करते हैं और ये जो करते हैं, तो ये जो दीपों का जो महत्व है वो महत्व कहीं नहीं है। तो दीपों का इस्तेमाल करें, दीपों को ही करें और माँ लक्ष्मी की पूजा करें, धन कुबेर की पूजा करें। आज हम लोगों ने धनतेरस के बारे में बताया, कल इसी वक्त हम लोग बात करेंगे विशेष धनतेरस के मुहूर्त के बारे में, और फिर हम लोग आगे नरक चतुर्दशी के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, बिल्कुल। तो कल 8 बजे हम फिर जुड़ेंगे आपके साथ और विशेष कार्यक्रम, जो कि महा एपिसोड धनतेरस और दीपावली का चल रहा है वो चलता रहेगा, और ये धनतेरस की रात तक 8 बजे, फिर धनतेरस के दिन तक हम आपको दीपावली और धनतेरस से जुड़े हुए
कई महत्वपूर्ण बातों के बारे में जानकारी देंगे। ज्योतिष सलाहकार आलोक कुमार जी जो कि आपको जानकारी दे रहे हैं, कृष्णा बक्सरी जी, सुनील कुमार यादव जी, राहुल जायसवाल जी, अंजनी कुमार सिंह जी, नवलेश सोनी जी, राकेश चौधरी जी, आप सब हमारा एपिसोड फिर से देखें। बहुत सारी जानकारियां दी गई हैं जो बाद में जुड़े हैं, अभी ये लाइव प्रसारण खत्म होगा फिर आप उसे देख सकते हैं। आप आलोक जी से सीधे संपर्क करने के लिए उनके नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उनसे भी डायरेक्ट फोन करके सलाह ले सकते हैं। आगे भी हमारा ये सिलसिला काल चक्र में चलता रहेगा जो कि दीपावली और धनतेरस स्पेशल है। 8 बजे रात रोज हम आपके साथ